नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको सुना रहा हूँ सादत हसन मंटो का एक और अफसाना। उन्वान शीर्षक है 2000 साल बाद। मैंने कहा सुनती हो? सुन तो रही हूँ, बोलो। एक बहुत बड़े आलिम ने कहा है कि अरे मुझे याद आया, ये धोबी तुम्हारे कॉलर कब इस्त्री करके लाएगा? ले आएगा, आजकल बड़े दिनों के बायस काम भी तो बहुत होगा उसके पास। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक बहुत बड़े आलिम ने, और वो सुगंध हलवा किधर गया? मुझे कल अपनी सहेलियों की टी पार्टी करना है, बिल्किस नाराज़ हो जाएगी अगर तुम हलवा ना लाए। ले आऊँगा, टी पार्टी आज थोड़ी है, कल ले आऊँगा, चांदनी चौक यहाँ से दूर नहीं। हाँ, तो एक बहुत बड़े आलिम ने कहा, ठहरो, तुमने चांदनी चौक कहा तो मुझे एक ज़रूरी बात याद आ गई, मेरा स्वेटर बिल्कुल फट गया है, उधर जाओगे तो एक नया लेते आना, नंबर तो तुम्हें याद है, मुझे अपना पुलोवर भी लाना है, कल नहीं तो परसों दोनों लेता आऊँगा, और अगर तुम्हें जल्दी है तो खुद जा कर ले आओ, नौकर को साथ ले जाना। हाँ, तो मैं कह रहा था, हाँ, एक बहुत बड़े आलिम ने कहा है, अरे तुम छोड़ो और बातों को भाई, तुम्हारे इस नौकर ने मुझे बहुत तंग किया है, परले दर्जे का झूठा है, बदजबान है और मुझे खातिरी भी नहीं लाता। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कहती हूँ कि इसका हिसाब साफ कर दो, 2 महीने की तनख्वाह तो है, इसको छुट्टी दो और नया नौकर तलाश करो। अरे कितने नौकर आए और गए, सब एक जैसे ही थे। मैं तो समझता हूँ कि नौकरों में कोई फर्क ही नहीं होता, और अब जो तुम कहती हो तो खैर माने लेता हूँ, कल इसका हिसाब चुका दूँगा और नए नौकरों के लिए अपने चंद दोस्तों से कह दूँगा। तो हाँ, तो मैं उस आलिम की बात कह रहा था, वो कहता है, ठहरो, ये मुन्ने की रोने की आवाज़ तो नहीं? नहीं तो क्यों, खैरियत तो है? अरे कल से उसके दुश्मनों की तबीयत ख़राब है, तुम तो सारा दिन दफ्तर में रहते हो और दफ्तर से आते हो तो क्लब चले जाते हो, तुम्हें उसकी खैरियत से क्या वास्ता? लो भाई, तुमने तो गिले शिकवे शुरू कर दिए। छोड़ो इन बातों को और सुनो, तुम्हें एक मज़ेदार बात सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े आलिम ने कहा है, पहली मेरी बात का जवाब दो, बोलो, नहीं फिर पूछूंगी। अच्छा भला बताओ तो मेरी सालगिरह कब है? मुझे तारीख अच्छी तरह याद है और मुझे अपना वादा भी याद है, तुम्हें सालगिरह के रोज़ सुबह सवेरे अपनी पसंद की साड़ी मिल जाएगी, लो बस आप खुश हुए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक बहुत बड़े आलिम ने कहा है, साड़ी वही हो जिस पर मोर बने हैं, ब्लाउज का कपड़ा भी वही लूँगी जो मैंने पसंद किया हुआ है। अच्छा आप बताओ उसने क्या कहा है? एक बहुत बड़े आलिम ने कहा है कि 2000 साल के बाद दुनिया पर औरतों का राज होगा, पर मैं अब सोचता हूँ कि 2000 साल बाद क्यों? ये थी छोटी सी कहानी 2000 साल बाद।